देखिए, पहली बात तो यह है कि जो जीत जो हुई है बीजेपी की, वो पहले के मुकाबले में वो बहुत ही, उसका जीत का जो आधार है वो बहुत घटा है। 2014 14 के मुकाबले में जो वोट जो बीजेपी को उस समय मिला था, उससे आज इस इन चुनाव में वोट जो मिला है वो 10% कम है। 2012 असेंबली में जितने सीट बीजेपी को मिले हैं, वहाँ से कम 15 से ज़्यादा सीट वो जो है आज खोया है। वादा कर रहे थे 150 सीटों का, वो हुआ नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में पहली बात तो ये है, जीत हुई है निश्चित गणित पे, लेकिन ये जीत उस प्रकार, ये एक तरफ से उसी की जीत में उनके खिलाफ जो लोगों की जो पावड़ा है वो भी वो स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर वोट परसेंटेज में गिरावट और सीटों में गिरावट है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो भी प्राप्त किया बीजेपी ने, ये प्राप्त किया है विकास के नाम पर नहीं, क्योंकि लोगों का गुस्सा उनके विकास का ही मॉडल के ऊपर था। नोटबंदी और जीएसटी के चलते हुए ये बहुत व्यापक तरीके की गुस्सा के गुजरात के लोगों में था। लेकिन ये गुस्से को वोट के रूप में बदलने से रोकने के लिए बहुत ही तेज और बहुत ही हमारे हिसाब से गंदा एक सांप्रदायिक एक ध्रुवीकरण वहाँ पे किया गया है। और जिस तरीके से पूरी की पूरी कैंपेन में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा कैंपेन को एक हिंदू मुसलमान के बीच में, टकराव के बीच में जो पेश करना, ऐसे बातें करना राम और हज के बीच में है ये चुनाव, ऐसे बात करना कि पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मिलकर साजिश कर रहे हैं मोदी साहब के खिलाफ और गुजरात के खिलाफ, ये सब बातों से ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो किया गया वो लग रहा है कि मुख्य कारण वो है। और ये हमें मतलब स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि आखिरकार उनके पास एक ही हथियार है, और वो हथियार है इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जो हमारे हिसाब से विकास की बात छोड़िए, लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ाते हुए भी इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते हुए वो चुनावी जीत जीतने की जो कोशिश हो रही है, इससे बहुत बड़ा खतरा आने वाले दिनों में देश की एकता और अखंडता के लिए है। अभी बोल रहा तो जे लोग जो वोटा देवे ओटा नेता दिए ना ओटा नीति दिए देवे और এটা এটাই হচ্ছে। তো তাই জন্য এটা সব রিডিউস করুন না নেতার প্রভাবের জন্য। নীতি আছে নিশ্চয়ই, নেতা আছে তো ওদের ইনফ্লুয়েন্স তো হবেই, কিন্তু পুরো পলিসি কীরকম আছে, কীরকম নিয়ে যাচ্ছে আগে গিয়ে ওটা দিয়ে ভোটটা পড়ে, আর ওখানে এরা বেশি পেলেন অপোজিশন। আপনি